नमस्कार दोस्तों, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का विषय रहेगा गजेंद्र मोक्ष की कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिलता है और हर तरह के कर्जों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं आपके लिए गजेंद्र मोक्ष हिंदी में लेकर आई हूँ। इसे एक बार जरूर सुने और अच्छा लगे तो रोज रोज सुने। इससे आपके सभी दुखों का नाश होगा, पापों का नाश होगा और आपको कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष आख्यान के पाठ का महात्म बतलाते हुए इसको स्वर्ग और यशदायक, कलयुग के समस्त पापों का नाशक, दूर स्वप्न नाशक और शेर साधक कहा जाता है। इसकी भाषा और भाव सिद्धांत के प्रतिपादक और बहुत ही मनोहर हैं। भाव के साथ स्तुति करते करते मनुष्य तन्मय हो जाता है। महामना श्री मालवीय जी महाराज कहा करते थे कि गजेंद्र कृत इस तवन का आर्त भाव अर्थात श्रद्धा भाव से पाठ करने पर लौकिक, पारमार्थिक, महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है और निष्काम भाव होने पर अज्ञान के बंधन से छूटकर पुरुष भगवान को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर करने से उन्हें भगवान कहते हैं, मैं मृत्यु के समय अपनी स्मृति प्रदान करता हूँ, क्योंकि अक्सर मृत्यु के समय मनुष्य अपनी जीवा पर भगवान का नाम लेना भूल जाता है। वो याद कब रहता है? जब प्रभु की कृपा होती है और अंतेमति सागति के अनुसार उसे निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है तथा इस प्रकार वह सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। श्री गजेंद्र मोक्ष। बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्त्रोत का मन ही मन पाठ करने लगा। जिनके प्रवेश करने पर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप में देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोक एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंच भूतों में प्रवेश कर जाने पर
तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गे तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं ध्यान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। हे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु, मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्म बुद्धि रखने वाले सबके अकारण हित एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगल में स्वरूप का साक्षात करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्म वश ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है और ना रूप ही, फिर भी जो समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन पारकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे है, बारंबार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले और मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता सब के स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सब के अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सब की मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सब के कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाहरी वृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य ना करने वाले नित्य प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में
अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है, जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मन चाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण है, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगल में एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादिक के भी नियामक अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होते हैं। इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञ, अंतरहित किंतु सब के आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत शुद्ध अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे और सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने करण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान वास्तव में ना तो देवता हैं, ना असुर, ना मनुष्य, ना तिर्यक योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष हैं और ना नपुंसक ही हैं, ना वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश ना हो सके, ना वे गुण है, ना कर्म, ना कार्य, ना तो कारण ही। सब का निषेध हो जाने पर जो कुछ बचता रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राहक के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल कर्म से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले विश्व में आत्मा रूप से व्यापक, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्तव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक सत्, रज और तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विश्वों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है,
उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बारंबार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण आया हूँ। श्री शुकदेव ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार से विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्व देव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। उपर्युक्त गजराज को इसी प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु इच्छा अनुवेग वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार हो स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राहक के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपने सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनता से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीले झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रास सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं को देखते देखते चक्र से उस ग्राह का मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और शेयर भी जरूर करना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि कोई मनुष्य मरण आसन पड़ा हुआ हो, अर्थात उसकी मृत्यु समीप है और उसके प्राण तन से नहीं निकल रहे हैं, तो उसे ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाइए। देखना, तत्काल उसे इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।